सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट। बहुत दिनों बाद आ रहा है माइनक्राफ्ट का ये एपिसोड, पर कोई बात नहीं। और वीडियोस भी हमने नए नए गेम्स ट्राई कर रहे थे और आज आ चुके हैं माइनक्राफ्ट की वीडियो के साथ। तो आज का प्लान है नेदर जाना। पहली बार मैं नेदर जा रहा हूँ, आज से पहले आज तक नेदर नहीं गया। तो यहाँ पर मैंने फ्लिंट निकाली थी। फ्लिंट एंड स्टील पहले बनानी पड़ेगी लाइट करने के लिए पोर्टल को। फ्लिंट एंड स्टील तो यहाँ पर बन चुकी है। अब मैंने ऑब्सीडियन नीचे क्रेट में रख रखे थे, वहाँ से निकाल लेता हूँ ऑब्सीडियन। बनाते हैं जल्दी से नेदर का पोर्टल, पर देखते हैं नेदर में क्या कुछ होता है, क्या कुछ कर सकते हैं वहाँ पर जाके। अच्छी सी जगह ढूंढ लूँ जहाँ पर मैं अपना नेदर पोर्टल बनाऊँ, जिससे आगे कुछ भी बनाए तो उसमें कुछ खराबी ना आए। और काश यार अच्छी जगह पे स्पॉन हुई नेदर में, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी नेदर में, तो मरने वगैरह के चांसेस ज़्यादा रहती हैं। कुछ अच्छी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर नेदर पोर्टल बन सके, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। हाँ कोई सही जगह देखते हैं। बहुत ज़्यादा ही विचार विमर्श करने के बाद हमें जगह अच्छी सी मिल चुकी है पोर्टल बनाने के लिए। यहाँ पर बनाते हैं पोर्टल और चलते हैं जल्दी से नेदर। यार ये तो छोटा सा बेकार सा लग रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। मेरे ख्याल से अब ये बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है ना। स्टील लेते हैं जल्दी से, चलाते हैं इसको फटाफट। आप बढ़िया लग रहा है ना, तो जल्दी से इसको लिट करते हैं। लेट्स गो। यार नेदर जाने से पहले मैं सोच रहा हूँ अपना थोड़ा वैल्यूबल सामान रख जाऊँ, अपनी पिकेक्स, डायमंड और सॉर्ड। फालतू में वहाँ पर जाकर क्या पता घुसते ही मैं मर गया लावा में डूब के, क्या फ़ायदा। तो मैं अपना सामान इधर चेस्ट में डाल जाता हूँ, जो काम कम का नहीं है वहाँ पर। अगर कुछ अच्छा मिल गया तो वो ले आऊँगा डाल के। तो अपनी इन्वेंट्री थोड़ी खाली कर लेता हूँ और फिर चलते हैं जल्दी से नेदर। तो भाई फाइनली टाइम आ चुका है नेदर जाने का, चलते हैं देखते हैं कहाँ पर नेदर की जगह स्पॉन होती है। काश कोई अच्छी सी जगह स्पॉन हो जाए। तो ओके भाई नेदर आ चुके हैं। मेरे को यहाँ पर कुछ भी अच्छा सा नहीं लग रहा है। मेरे को लग रहा है मैं काफ़ी ज़्यादा ही घटिया जगह पे स्पॉन हो चुका हूँ। क्या लगता है? मेरे को तो लग रहा है भाई काफ़ी ज़्यादा घटिया जगह है। वह गास्ट वगैरह घूम रहे हैं सामने, मॉब्स हैं अंदर काफ़ी सारे। ओ भाई यहाँ तो निकलने का क्या रास्ता रहेगा गास्ट। चलते हैं यार वापस, ये सब नहीं, शील्ड वगैरह लेके आते हैं फिर चलते हैं यहाँ पर। पर अब आ चुके हैं, डर्ट वगैरह लेके थोड़ा सा रास्ता ठीक कर दें यहाँ पर जहाँ पर अब स्पॉन होते हैं। कभी लावा में गए तो काम खराब हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर हल्की फुल्की सी माइनिंग शुरू कर दूँ, क्या पता कहीं अच्छी जगह निकले हम यहाँ से। क्वार्ट्स ब्लॉक, हाँ क्वार्ट्स बिल्ला ये सही है, ऐसे हम क्वार्ट्स ब्लॉक बना सकते हैं, वो काफ़ी सही रहेगा। देखते हैं जितना हो सकता माइन करते हैं। सो काफ़ी ज़्यादा माइनिंग करने के बाद हमें कुछ भी नहीं मिला, क्वार्ट्स ब्लॉक मिल गया और एक आध गोल्ड नगेट्स मिल गए, और ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं खास। अब मैं सोच रहा हूँ यार क्या ही जगह है, थोड़ा सा आसपास और घूम के देखते हैं कुछ मिले बढ़िया जगह, कुछ अच्छा मिले। अगर नेदराइट वगैरह मिल जाए तो भाई सोने पे सुहागा, पर वो मेरे को पता इतने इजीली मेरे को नहीं मिलेगा क्योंकि मेरी किस्मत ख़राब है। तो ढूंढते हैं चलो अब कुछ। भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ भी दिखाने को नहीं मिल रहा है मेरे को नेदर में। क्या दिखाऊँ भाई, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं तो, बस सामान तोड़ रहा हूँ आके, और कुछ भी इंटरेस्टिंग सा मेरे को नहीं दिखाया अभी तक। सिर्फ सामान ही तोड़े जा रहा हूँ यहाँ पर, लावा के पोल्स भर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा यार। कुछ अच्छा दिखता है तो मैं दिखाता हूँ, चलो रुको। इन वाले मॉब्स ने मेरे को भाई इतना तंग करके रखा है, जब से देख रहा हूँ स्पॉन हुए जा रहे हैं लोग, आए जा रहे हैं। इनको मारो तो छोटे निकले आते हैं, फिर मारो तो और छोटे निकले आते हैं।
बड़ा परेशान कर दिया इनने, सही में मजाक नहीं कर रहा। तब से जितने मान लो छोटे छोटे निकलते आएंगे, फिर और आ जाएंगे और आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा घूमने के बाद मेरे को कुछ भी नहीं मिला, तब यहाँ पर मेरे को गेस्ट ने बड़ा परेशान कर रखा है। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से अब निकला करूँगा जब पोर्टल से, तो सीधे लावा में ना गिर जाऊँ, थोड़ी बाउंड्री बना के रख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, बाउंड्री वगैरह टूटी। अरे यार ये गेस्ट ने बहुत ही ज़्यादा परेशान कर दिया है। अरे नहीं, ओह शिट, निकलना पड़ेगा यहाँ से जल्दी से जल्दी। अरे नहीं यार, पोर्टल तोड़ दिया, व्हाट द हेल, पोर्टल ही तोड़ दिया, अब कैसे जाऊँ वापस। फ्लिंट एंड स्टील भी नहीं लाया मैं तो। ओह नहीं यार, ये तो बहुत गलत हो गया। ओह शिट, एक ही आइडिया है, एक ही आइडिया है, यहाँ पर मैं जल्दी से मर जाता हूँ और ओवरवर्ल्ड में स्पॉन होके वापस आता हूँ। अरे यार चलो, रिस्पॉन तो हो गया। मैं सोच रहा हूँ पहले जल्दी से एक बार फ्लिंट एंड स्टील वगैरह सारा सामान रख ले रहा हूँ। अब थोड़ी तैयारी के साथ जाते हैं कि वहाँ पर जाके सबसे पहले तो उसको मारेंगे, गेस्ट को। हाँ बेटे, अब आ इधर आ जरा। अब देख, हाँ नहीं तो ये तब से परेशान करके रख दिया बिल्कुल भाई। तब से ऐसे घूमते घूमते पता नहीं कहाँ से ये लोग आ गए हैं। हाँ भाई, तब से मार रहे हैं ये लोग, इनके ज़रा पीछा पड़ेगा इनको। भाई जो ये मैं एनिमल्स की फार्मिंग कई दिनों से कर रहा था, तो अब मैं ज़रा हाल देखूँ तो देखो आप इनके तो भाई पिक्सल्स ही फटे जा रहे हैं। मेरे को लगता है थोड़ा सा फार्म खाली करना पड़ेगा यहाँ पर, और जब भी यहाँ पर फार्म खाली करते हैं फटाफट से। तो यार जस्ट अभी मेरा ध्यान गया, मैंने पिग का गेट खुला छोड़ दिया है। यहाँ से मेरे सारे पिग्स भाग चुके हैं, मैंने मतलब गेट ही खुला छोड़ दिया। भाई इतना बेवकूफ़ मैं कैसे हो सकता हूँ, और सारे मेरे पिग्स भाग चुके हैं इस समय। कोई इतने सारे पिग्स थे वहाँ पर, मैंने सिर्फ काउ फार्म करा था वहाँ पर, और पिग्स तो पूरे भरे हुए थे, सारे के सारे भाग चुके। बस एक ही तरीका बचता है, नए पिग्स पकड़ के लाने पड़ेंगे, उनको ब्रीड कराना पड़ेगा। अरे स्केलेटन यार इतना तगड़ा आर्मर पहना हुआ है, देगा क्या, क्या लगता है ड्रॉप करेगा ये आर्मर। स्टोन स्वॉर्ड है यार मेरे पैर, कर दो भाई, नहीं किया लॉल। अभी मैं अभी इंटरनेट पे ऐसे कुछ भी देख रहा था, तो मेरे को दिखा एक माइनक्राफ्ट का ऑटोमेटिक डोर, मतलब एक लीवर खींचो और वो डोर इनविजिबल डोर है, मतलब पता नहीं चलेगा किसी को है वहाँ पर डोर। तो मैंने सोचा यार बहुत इजी सा ही है, थोड़ा बहुत रेड स्टोन और दो स्टिकी पिस्टन लगेंगी। और मेरे पास देखो स्लाइम बॉल पड़ी हुई थी, मेरे को क्योंकि मिल गई थी, और इसको बनाने में ज़्यादा कुछ लगेगा नहीं पिस्टन में, तो मैंने सोचा बना ही लेता हूँ यार। तो मैं बनाना जल्दी से शुरू करता हूँ, बहुत सिंपल सा था। अब पहले तो मैं स्टिकी पिस्टन बना लेता हूँ, पिस्टन तो बना ली, अब ये दो स्टिकी पिस्टन ही चाहिए बस। और क्योंकि मेरे को नीचे जाने के लिए है, तो ये सबसे बेस्ट रहेगा। मैं यहाँ पर सबसे पहले एक दीवार बना लेता हूँ, और इसके ऐसी कुछ दीवार बन गई है, और उधर लगाएंगे अब स्टिकी पिस्टन पर रेड स्टोन का कनेक्शन। और फिर अरे पता है मुझसे ना कुछ गलत बन गया, मैं अभी देख के आया फिर से, तो उसके अंदर एक स्टोन छोड़ के यहाँ पर स्टिकी पिस्टन लगाई थी, और फिर पीछे रेड स्टोन का कनेक्शन जो जाता है तुम्हारा यहाँ पर। मेरे ख्याल से अब काम कर जाना चाहिए, लेट्स ट्राई। अरे यार ये आधा ब्लॉक क्यों चल रहा है बस। अच्छा अरे यार अब रुको, मेरे को फिर से देख के आना पड़ा, यहाँ पर एक स्टोन लगाना है और इसके ऊपर रेड स्टोन कनेक्शन। अब चलेंगे अपने दोनों के दोनों रेड, दोनों के दोनों पिस्टन अब बढ़िया से चलेंगे, और बस वहाँ पर एक लीवर खींचो और वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। देखा,
बिल्कुल प्लेन दीवार, यहाँ पर लगा दो पेंटिंग, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि पीछे क्या है। और यहाँ पर खोलो नीचे पूरी तुम्हारी ट्रेजर। सही चीज़ है भाई, रेडस्टोन इतना सारा हो गया था मेरे पे, कहीं यूज़ भी नहीं आ रहा था, इसी बार चलो कहीं यूज़ हो गया। और देखते हैं अब भाई, मैंने सोचा यार खाली बैठे हैं, काम करते हैं, थोड़ा नेदर में माइनिंग पे चलते हैं यार, कुछ मिल जाए काश। और यहाँ पर अब मैंने सोची है कि थोड़ा माइनिंग करके देखता हूँ, यहाँ कुछ मिलता है तो ठीक है, वरना यहाँ से एक दूर का रास्ता बना लेंगे। पहले थोड़ा बहुत इधर माइनिंग करने की ना कोशिश करते हैं, पता है एकदम घटिया जगह मिली है मेरे को नेदर में, यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला मेरे को यार, इतनी घटिया जगह है ना ये, क्या ही बताऊँ। देखते हैं थोड़ा माइन करके। तो भाई मैंने थोड़ी बहुत माइनिंग शुरू करी और मुश्किल से 5-6 प्रॉक्स नीचे आया मैं, और उसके अंदर नीचे मेरे को लावा दिख गया पूरा। मतलब यहाँ तो मतलब 54 वाई कोऑर्डिनेट पे आती नीचे लावा है, तो यहाँ तो कुछ सीन ही नहीं है बिल्कुल भी कुछ भी माइनिंग करने का। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से निकलूँ, और भाई अच्छे यहाँ से निकलते हैं, रास्ता बनाते हैं कहीं आगे तक का, और फिर वहाँ पर जाके कोई बढ़िया माइनिंग करेंगे। यहाँ पर तो कुछ मिलने भी नहीं वाला, यहाँ पर से मॉब्स ही मॉब्स हैं, गेस्ट और ये उछलने वाले, तो यहाँ पर कुछ भी फ़ायदा नहीं दिखा मेरे को। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से चलूँ, और फिर वहाँ पर कुछ सीधे सीधे ऐसा निकाल देंगे एक रास्ता, क्योंकि देखो ऐसा कि गेस्ट वगैरह अगर मैं नेदर एक लगाऊंगा तो गेस्ट तोड़ देगी इसको, इतना तो पक्का है। और अगर मैं कोबल स्टोन लगाऊंगा तो कोबल स्टोन तो गेस्ट अटैक करता है, और कोबल स्टोन अपने पर बहुत है। तो वही मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना कोबल स्टोन से ही करा जाए, वहाँ पर एक पाथ बना दिया जाए, क्योंकि कोबल स्टोन देखो अपने पास अनलिमिटेड है, कोबल स्टोन तो कितना यूज़ कर लो ख़त्म नहीं होगा। तो इसी से मैं अब सोच रहा हूँ, बट जब तक के लिए यार इस एपिसोड के लिए रखते हैं इतना ही। अगले एपिसोड में नेदर में माइनिंग करेंगे और नेदर ही एक्सप्लोर करेंगे पूरा पूरा। आज एक बार देख लिया हमने नेदर कैसा है, एकदम घटिया, और यहाँ पर हमें जहाँ भी हम स्पॉन हुए नेदर में एकदम बेकार जगह निकली, तो वहाँ से हमें कहीं दूर ही जाना पड़ेगा। तो अब मैं सोच रहा हूँ अगले एपिसोड में पूरा अच्छे से नेदर वगैरह में जो भी है देखेंगे, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यार लाइक कर दो तब तक के लिए, वीडियो को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल यार। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।